तो हम लोग जो है न्यूमरिकल्स क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। तो ये लगभग हमने जो है यहाँ पे 18, 19, 20 तक के पहले न्यूमरिकल्स क्वेश्चन देख लिए थे, है ना, 17, 18 तक। उसके बाद के वाले क्वेश्चन जो है लॉजिकल बेस्ड है, ग्राफ बेस्ड पे हैं। तो आप उनको सेल्फ ट्राई करके देखिए, उनके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। आप नेट पे देखते तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। तो मैं आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, या जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, फार्मूला यूज़ होते हैं या कंसेप्ट यूज़ होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये 3.24, ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट। तो मान लो एक बॉय है और वो जो है स्टेशनरी लिफ्ट पे है, ठीक है। और मान लीजिए लिफ्ट जो है यहाँ से ओपन है, मान लीजिए, ठीक है। थ्रो ए बॉल अपवर्ड विथ मैक्सिमम इनिशियल स्पीड। तो एक जो बॉय है वो कुछ स्पीड से एक बॉल को थ्रो करता है, उसके इनिशियल स्पीड दी हुई है, और ये इनिशियल स्पीड दी है यू इक्वल देन 49 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दी हुई है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न इज हैंड। अब मान लीजिए बॉल ऊपर फेंका और फिर इसके हाथ में वापस आ जाए। इफ द लिट स्टार्ट मूविंग अप विद यूनिफॉर्म, फिर इसमें सेकंड पार्ट दे दिया कि यदि अगर मान लीजिए लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एंड द बॉय अगेन थ्रो द बॉल अप, और फिर बॉल जो है ये थ्रो करता है ना, विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न। तो उसको फिर से कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। तो पहले तो हम लोग ये वाला फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो जो फर्स्ट पार्ट वाले में आपको दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, जो बॉल इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो गया 49 मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है। अब ये बॉल जो है ये थ्रो करने पे यू वेलोसिटी इतनी है इसके, है ना। अब ये जो है इनिशियल वेलोसिटी इसकी, ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल रुक जाएगी, है ना। तो वी इक्वल देन 0 हो जाएगा, है ना। तो चूंकि लिफ्ट जो है स्टेशनरी है और बॉल जो है थ्रो किया बॉय ने, और फिर फाइनल वेलोसिटी ये इसकी 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हम सिंपल जो फर्स्ट फार्मूला है वी इक्वल देन जो आपका यू प्लस ए टी है, ये फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टाइम टी ले लें, तो टी इक्वल देन यहाँ पे वी माइनस यू और वाई ए हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है भाई। तो इसमें ये ध्यान दे कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको टाइम लग जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 5 सेकेंड लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, इसको 10 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है भाई। तो ऊपर जाने में, आने में, है ना, दोनों टाइम में कितना लग जाएगा, इसको 10 सेकेंड लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है टोटल टाइम इसका 10 सेकंड हो जाएगा आने में जाने में। अब सेकंड केस आपका दिया हुआ था कि जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करती है। तो इस केस में क्या हो गया कि जो ये इसके साथ जो है, ये इसके साथ ही जा रहा है ना। तो जितना स्पीड से, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो बॉल की अगर हम ले रहे हैं, ये सेम है क्योंकि उसके साथ ही वो भी चल रहा है, ठीक है भाई, 49 मीटर पर सेकेंड ये। तो इस केस में जो बॉल को भी इसको सेम टाइम लगेगा, है ना, वही 5 सेकेंड जाने में और आने में लगेगा, ठीक है भाई। यानी जिस जिस जगह में यहाँ पहुँच जाएगा उसी जगह से फेंकेगा, तो चूंकि लिफ्ट तो उसके साथ ही चल रही है, तो उसको आने जाने में उतना ही समय लगेगा, ठीक है भाई, ओके। तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन 3.25 दिया है, ऑन ए हॉरिजेंटल मूविंग बेल्ट, है ना। एक फिगर है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ए चाइल्ड रन टू एंड फ्रो विथ ए स्पीड ऑफ, है ना। तो एक ये जो बेल्ट है अभी बताते हैं, उसमें जो बालक है ना, एक साइड इस और एक बार इस और दौड़ रहा है। तो उसकी स्पीड जो है ये दी है आपको 9 किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 15। तो ये दोनों जो इधर मदर है, मान लीजिए फादर है, दोनों कितना है 15 मीटर है,
ठीक है, ऑन मूविंग बेल्ट, द बेल्ट मूव विथ ए स्पीड, और बेल्ट जो है ये भी चल रहा है, मान लीजिए ये बेल्ट है तो ये बेल्ट भी चल रहा है, और ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फॉर एन ऑब्जर्वर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, अब कोई बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा, तो इसमें आपका प्रश्न है कि वॉट इज़ द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। तो इस और यदि अगर मान लिया जाता है किसी भी और, तो उसका जो है स्पीड कितनी हो जाएगी, और स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू डायरेक्शन। अब यदि अगर मान लीजिए बेल्ट के साथ चलता है तो स्पीड कितनी होगी, और अगर अपोजिट जाता है तो कितनी होगी, ठीक है। और टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए एंड बी, ठीक है, और ये दोनों में समय कितना लगेगा। तो ये आपका जो है फिगर दिया हुआ है, ये फिगर में ये आप देख रहे हैं कि ये बेल्ट इस तरीके से मूविंग करते हुए जा रहा है, और उसकी स्पीड कितना है, ये है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बॉय है इसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी दी हुई। ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ये बाहर से देख रहा है ना भाई। और ये दोनों मदर और ये फादर, ये दोनों कितना हो रहा, 50 मीटर की दूरी पर उसके साथ में खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपका इसमें बताना है कि उसमें टाइम और उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है भाई। तो ये जो है, एक तो ये हम ध्यान दे दें, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हो रही, लेकिन बट ये एक चीज़ हम ध्यान दें कि ये ऐसे बेल्ट है, बेल्ट जो है खुद ही अपनी जो स्पीड हो रही है ना, कितना हो रहा, 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड से चल रहा हो रहा, और बॉय भी चूँकि क्या है, इसी में ही रह के यहाँ पे दौड़ रहा। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि यदि अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे हम किसी कार या मान लीजिए जीप में है ना जो है वो है बैठे हैं, और या उसी में यदि अगर हम चल रहे हैं, तो ये ध्यान दे कि यदि अगर वो किसी स्पीड से चल रही है और हम उसके अंदर किसी स्पीड से चल रहे हैं है ना, तो उस केस में जो बाहर से यदि अगर कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर दिखेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटियाँ ये ज्वाइंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दिया है, बॉय जो है सेम डायरेक्शन में दिखा, ये रनिंग कर रहा मोशन ऑफ बेल्ट का, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड जो है, ये दोनों स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ से बॉय और बेल्ट दोनों की स्पीड यदि अगर जुड़ जाती है, तो 9 + 4 कितना, 13 किलोमीटर पर आवर, ये जॉइंट हो जाएगा। दूसरा यदि अगर मान लीजिए वो अपोजिट डायरेक्शन में यदि अगर आ रहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड्स पेरेंट, तो ये कितना हो रहा, 50 मीटर हो रहा, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे जो बोथ पेरेंट है वो स्टैंडिंग है ना मूविंग बेल्ट पे, द स्पीड ऑफ द चाइल्ड इन आइदर डायरेक्शन अगर हम लेते हैं, तो चूंकि है ना ये सेम हो जाएगा क्योंकि वो स्टेशनरी है, बेल्ट बस चल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया उनकी स्पीड, 9 किलोमीटर पर आवर ये ले रहे हैं, तो उस केस में कितना हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस इतना हो गया, और वो जो है 9 किलोमीटर पर आवर से बालक चल रहा है, उसको मीटर में बदलते हैं तो 2.5 मीटर पर सेकेंड होता है, इससे डिवाइड कर देंगे तो 27। तो किसी भी डायरेक्शन में यदि अगर जाता है, तो उस केस में कितना होगा, हाँ 20 सेकेंड में वो होगा, ठीक है भाई। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखें, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अलग प्रकार का क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन है बड़ा है तो उतना तो आपका एग्ज़ाम वगैरह का चांसेस तो कम होता है, बट हायर लेवल की कोई एग्ज़ाम वगैरह कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम वगैरह, तो उनमें इनको प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, ये आपका है कि भाई 2 स्टोन आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाई। तो मान लो जैसे यदि अगर एक है ना एक टीला है या कोई भी एक ऊंची जगह है, और जिसकी हाइट कितनी हो रही, मान लीजिए लगभग यहाँ से 200 मीटर हो रही है, और यहाँ पे कोई पर्सन है मान लो, और उसके द्वारा जो है ये स्टोन फेंका जाता है, 2 स्टोन यहाँ से फेंक रहे, इनकी स्पीड कितनी है, एक की जो है 15 मीटर, तो एक जो है ये मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड है, और एक ये दूसरे वाली है
मान लीजिए कितना हो रहा, 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊपर जाएगा। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन, अभी आपके ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है ध्यान से, इस ग्राफ को आपको वेरीफाई करना है कि करेंटली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेकेंड स्टोन। तो यहाँ पे जो है ये आप देखें ग्राफ में, तो जो पोजिशन बनी है ये बनी है x2 - x1, तो x2 - x1 यानी ये फाइनल पोजिशन है सेकेंड वाली स्टोन की, x1 जो है इनिशियल पोजिशन है फर्स्ट वाले स्टोन की, है ना, ये आपकी दी, तो दोनों का ये डिफरेंस दिया हुआ है रिलेटिव पोजिशन, है ना, रिलेटिव पोजिशन है ना, ये दी हुई आप दी सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। अब इसमें आपको दिया है कि नेकलेट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस आपको नेकलेट कर देना है, और एज्यूम दैट द स्टोन डू नॉट रिबाउंड। अब मान लीजिए स्टोन यहाँ आके ऐसे गिर जाते हैं, यहाँ टकराते हैं, स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर, है ना, हीटिंग द ग्राउंड, और जी की वैल्यू इतनी लेनी है, और ये आपको इक्वेशन भी देनी है लीनियर के लिए। अगर यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये लीनियर ग्राफ मिल रहा है, फिर यहाँ से ऐसा कर्व ग्राफ मिल रहा है, और कर्व पार्ट के लिए दोनों के लिए जो है आपको ये देना है, है ना। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये कर्व यदि अगर है तो कहने का मतलब है यहाँ पर 8 सेकेंड तक जो है ये लीनियर बना हुआ, उसके बाद ये कर्व बना हुआ, ठीक है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अभी पहले आपको फर्स्ट स्टोन वाले के लिए दिया, तो फर्स्ट स्टोन वाले के लिए देखें, तो मान लीजिए फर्स्ट स्टोन को यदि अगर थ्रो किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये कितनी दी थी, 15 मीटर पर सेकंड दी हुई थी, ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ये दी हुई है, तो और यदि अगर ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये माइनस लेना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हम जो है ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, ठीक है। तो इसमें हमें चूँकि ग्राफ में x2 - x1 ये पोजीशन हमें निकालनी है, ठीक है भाई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वो बातें तो बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी जीरो होगी और फिर नीचे आके टकराएगी, है ना, ठीक है भाई। तो उससे भी हम इनिशियल वेलोसिटी, तो लेकिन इसमें दी हुई है तो आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से यदि अगर ये रिलेट वैलो पोजीशन वाला ग्राफ निकालते हैं, तो x1 = x0, है ना, ये आपको मालूम है s = ut और हाफ at² होता है। अब तो यहाँ से यदि अगर ये डिस्प्लेसमेंट बताएं तो फाइनल पोजिशन है ना x1 और इनिशियल पोजिशन x0 = ut और हाफ at² हो जाएगा, है ना भाई। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो x1 = x0 प्लस हो जाएगा ut और हो जाएगा हाफ at², ठीक है भाई। तो इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो यदि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो आपका x1 है ना, ये तो निकालना है आपको, और यहाँ पे x0 कितना है, ये जो हाइट थी वो कितनी थी, 200 थी, है ना, क्योंकि यहाँ से जो क्लिफ है इसकी अपन ने जो हाइट ली है, ये हमें हाइट कुछ मिल रही है x0 इनिशियल हाइट, है ना, तो ये 200 हमें मिल रही, तो ये 200 हो जाएगी, ठीक है भाई। प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, u1 है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमने लिया था पहला स्टोन का 15, है ना, और ये t होगा, और साथ में 1/2, तो और जी इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना, एक्सेलरेशन की, तो ये -10, तो ये माइनस होगा और ये t². अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन x1 = 200 हो गया, प्लस 15t और -5t², तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो वैन अब चूँकि स्टोन यहाँ से ये ग्राउंड से टकराएगा, तो ये वाला जो x1 वाला जो है ये जीरो लेना पड़ेगा, ये जो अपन ने माना है फाइनल वाला। तो यहाँ पे यदि अगर ये जीरो होता है तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगा -5t² प्लस 15t और प्लस 200 = 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5t², है ना, -15t और -200 = 0। तो ये एक सेकंड ऑर्डर t² है, इसका मतलब ये जो
सेकेंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके दो सॉल्यूशन होंगे, है ना, आपने देखा होगा जैसे 10th क्लास में। तो हमें जो यहाँ से इक्वेशन मिल गई थी -5t² +15t और +200, तो हम माइनस का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर हो जाएगा 5t² माइनस प्लस है ना 15t और -200 है ना, माइनस मल्टीप्लाई करने पे फिर क्या करेंगे 5 का भी डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा यानी टी स्क्वेयर हो जाएगा -3t होगा 40 होगा। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया। अब इसको हम को जो है सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके दो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको -3t को ये टी स्क्वेयर हो गया और -3t को हम लिख सकते हैं -8t और साथ में क्या लिख सकते हैं +5t लिख सकते हैं और -4t बराबर 0 हो जाएगा। तो इनको जो है हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो t बाहर लेंगे तो t -8 हो गया और प्लस यहाँ से कितना हो गया 5 बाहर ले लिए तो t माइनस फिर से 8 हो गया, है ना। ये आपने किया होगा 10th क्लास में ये फैक्टर वगैरह निकालने के दौरान का। तो इसके दो सॉल्यूशन हो गया, एक तो सॉल्यूशन हो गया आपका t माइनस 8 और एक हो गया t प्लस, है ना, t प्लस 5 वाले बराबर 0। तो एक तो नेगेटिव आ जाएगा t इक्वल देन -5 सेकेंड, तो टाइम तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते यानी ये वाला सॉल्यूशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा वाला सॉल्यूशन निकलेगा t इक्वल देन 8 सेकेंड का। तो इस तरीके से जो स्टोन है उसको वहाँ पे आने में यानी कि जो क्लिफ है उसके है ना ग्राउंड में आके टकराने के दौरान जो समय लगेगा कितना लगेगा 8 सेकेंड का लगेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हम जो सेम सॉल्यूशन जो है सेकेंड वाले स्टोन के लिए भी लेते हैं, तो सेकेंड वाले स्टोन की इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड थी, एक्सेलरेशन तो इतना होगा और रिलेशन फिर से वही वाली हो जाएगी। ये वैल्यू रख देते हैं तो ये भी इतना मिलेगा, फिर ये x2 वैल्यू फिर से 0 होगी तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन मिल रही है हमको t² -60 और -40 इक्वल 0। इसको भी हम 2 पार्ट कर लेते हैं तो t माइनस टी है ना और ये t प्लस 4 इक्वेशन मिलेगी। तो दूसरा टाइम t इक्वल देन 10 सेकंड निकलेगा, है ना भाई, और यहाँ से t इक्वल देन -4 सेकंड निकलेगा। तो ये जो -4 सेकंड वाला है ये क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम को, ये 10 सेकंड वाला टाइम को अपन लेंगे, ठीक है भाई। तो अब हमको जो है दोनों इक्वेशन मिल गई थी, एक टाइम जो आपका मिला हुआ है t इक्वल देन 8 सेकंड के लिए मिला है और एक दूसरा टाइम मान लीजिए t1 ये t2 कहते हैं ये 10 सेकंड का मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा, अब ये इक्वेशन को यदि अगर हम सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा x2 -x1। तो x2 की वैल्यू अभी जो अपन ने निकाली थी तो वो थी 200 प्लस 30t -5t² और x1 की निकाली थी तो 200 प्लस 15t और -5t². इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा x2 -x1 15t, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो हमें पता चलेगा कि x2 -x1 nt द पाथ रिमेन स्टेट टिल 8 सेकेंड, है ना। अब ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपन यहाँ पे देखें कि जो दोनों स्टोन हैं है ना वो क्या होंगे 8 सेकेंड तक, है ना, यहाँ पे मिनिमम टाइम दिया हुआ है। दूसरे वाले का स्टोन का टाइम जो है ये 10 सेकेंड दिया है तो इस वाले में भी 8 सेकेंड कॉमन होगा यानी दोनों जो स्टोन होंगे है ना वो 8 सेकेंड तक कॉमन रहेंगे, है ना। यानी कि उस का जो आपने यहाँ पे ग्राफ देखा था तो लीनियर ग्राफ जो मैंने आपको बताया था कि भाई 8 सेकेंड तक है ना x2 -x1 है ना ये साथ में रहेंगे और उसके बाद में इस तरीके से फॉल डाउन होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये x2 -x1 ये 8 सेकेंड तक जो है ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। सो मैक्सिमम सेपरेशन यानी दोनों के बीच में यानी अलग होने से पहले कितना है उसका समय कितना है 8 सेकेंड है। तब उनका जो डिस्टेंस अगर अपन निकाले है ना एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस यदि अगर निकाले सेपरेशन डिस्टेंस तो ये कितना हो रहा है 120 मीटर। तो ये तो फार्मूला आपका था ना x2 -x1 है ना और इक्वल देन यहाँ पे 15 यानी जो आपका 15 दिया था और t दिया हुआ था
तो ये टी जो है आपका 8 दिया था, तो इस तरीके से कितना हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 120 मीटर का है ना। ठीक है भाई, तो ये मिलेगा इसमें आफ्टर 8 सेकेंड ओनली वन, है ना, यानी सेकंड स्टोर इज मोशन, है ना। ठीक है, हुज वेरिएशन विद टाइम इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 8 सेकेंड के बाद तो ये जो फर्स्ट वाला है वो तो ड्रॉप हो जाएगा, है ना, और सेकंड वाले का जो मोशन है वो हम ऐसा ले लेंगे। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो कितना हो रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, और जो सेकंड स्टैंड की जो ग्राफ था, इक्वेशन थी, यही थी 200 प्लस कितना था 30 टी और माइनस 5 टी स्क्वेयर, ये मिला था। तो ये आपका मिल जाएगा। तो ये यदि अगर इसको अगर हम, है ना, ये कर्व देखे तो ये वाला जो है आपका लीनियर पाथ का हुआ और ये वाला कर्व पाथ का हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा, ये लीनियर पाथ का इक्वेशन है और टी स्क्वेयर है तो ये कर्व पाथ का है। ठीक है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 वाला। ये वाला क्वेश्चन है, थ्री व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, मान लीजिए कोई थ्री व्हीलर है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी यू इक्वल देन जीरो ले लेते हैं, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 1 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ इसका दिया हुआ है। ऑन ए स्ट्रेट लोड फॉर 10 सेकेंड, और इसका टाइम कितना दिया आपका 10 सेकेंड के लिए, और एंड देन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स, तो आपको डिस्टेंस जो है कितना है ये कवर करेगा ये बताना है ड्यूरिंग द एन सेकेंड। इसमें आप ध्यान दें, एन सेकेंड का फार्मूला लगेगा, एन सेकेंड में उसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा वर्सेस एन, है ना। वॉट डू यू एक्सपेक्ट दैट प्लॉट डू द ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, तो आपको मोशन भी बताना है कि स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये जो है स्ट्रेट लाइन होगा ये बताएगा। अब ये ध्यान दे, एक फार्मूला जो होता है ये आपको बता दूंगा मैं बाद में फार्मूला, कि यदि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एन सेकेंड में यदि अगर उसके द्वारा कोई डिस्टेंस की कवर किया जाता है तो उसका फार्मूला ये होता है, एस एन या डी एन इक्वल देन होता है यू होता है, ध्यान दे, और बाय जो है ए बाय टू और 2n-1, ये उसका फार्मूला होता है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एन जो है ये टाइम है यानी किस टाइम को बता रहा है, और आपका यू इक्वल देन जीरो दिया हुआ था और एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ था। तो यहाँ से यदि अगर एक्सेलरेशन यदि अगर मैं 1 कर देता हूँ तब ये फार्मूला एस एन या डी एन इक्वल देन यहाँ पे और एस एन हो गया, और यहाँ पे यू की वैल्यू भी आपकी दी हुई थी, है ना, तो यू की वैल्यू भी अपन यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो वहाँ से यू की वैल्यू आपको कितनी मिल गई थी, यू की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गई थी। ठीक है ना भाई, तो यहाँ से एस एन इक्वल देन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 1 था तो यहाँ पे 1/2 होगा और 2n-1 ये मिल जाएगा, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ से रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई जो एस एन है ये वाली जो वैल्यू है ये किसके एन के प्रोपोर्शनल हो रही, इस वजह से ये कैसे ग्राफ मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हम ये डिफरेंट पॉइंट्स रख के देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए एन इक्वल देन 1 रखा, 2 रखा, 3, 4, ये सब हम रखते चले गए ये वाली इक्वेशन में। तो मान लीजिए एन इक्वल देन मैंने 1 रखा, तब यहाँ पे एस एन या डी एन इक्वल देन कितना हो गया, यहाँ से 1/2 हो गया और 2 × 1-1, तो एस एन इक्वल देन यहाँ पे 1/2 और 2-1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से मिलेगा, ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे तो ये होगा, और एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये होगा। चूँकि एस एन प्रोपोर्शनल था यहाँ पे एन के, इसलिए ये नेचुरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है आप ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है ये इसको आप आसानी से बना सकते हैं। आपका द स्पीड टाइम ग्राफ पार्टिकल मूविंग ए फिक्स डायरेक्शन ये आपका दिया हुआ है, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्ड बाय पार्टिकल, यानी आप समझ लीजिए कि एस आपको निकालना है 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड और 2 सेकेंड टू जो है 6 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और ये आने में। तो आप दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक जो है एरिया जो कवर होता है
उसके बेस पे, क्योंकि जो एरिया होता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट लेके आप ऐसा बना सकते हैं। और दूसरा जो है आपका एस इक्वल देन UT हाफ AT² फार्मूले से लेके भी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसको बना सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर ये जो 3.28 है, ये भी आपका लॉजिकल वाला है। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है तो आपको करेक्ट जो है ग्राफ के बारे में बताना है। तो आप जो है लॉजिकली इसको देख के, है ना, और आप इसको सॉल्व करिएगा, है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम में जो है हम आपको जो बताया था मैथमेटिकल जो फिजिक्स है, यानी जो आपके मैथ्स के फार्मूले हैं, डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, ये जो है हम आपको करवाएंगे। तो ठीक है, तो आप ज़रूर देख ले, है ना, उसमें, क्योंकि जैसे ग्राफ के बारे में, कौन सा ग्राफ जो है वो सर्कल होता है, कौन सा ग्राफ जो है ये पैराबोलिक होता है ना, इस तरीके के ग्राफ, कुछ ग्राफ है, कुछ इक्वेशन है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में जो है आपको जो है करवाएंगे। तो उसमें देख ले, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा बाइनोमियल थ्योरम वगैरह जो है, हालांकि इनका कम यूज़ होता है, मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्वेश्चनों को बना बना के देखें, और है ना, यदि अगर कोई दिक्कत आप जाती है तो आप जो है इस पर जो है कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताएं। ओके भाई, ओके, बाय।